संपादक सतीश मिश्र और मेरी तरफ से आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही शबे बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं पीलीभीत बुलेटिन। आज पीलीभीत समेत देश भर में रंगों का त्यौहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर शुभकामनाएं दी। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त अपने गिले शिकवे दूर करके गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। कोरोना के चलते 2 साल से इस पर्व को लोग कायदे से नहीं मना पा रहे थे, अब बिना किसी पाबंदी के होली का पर्व मनाया जा रहा है। युवा टोली बनाकर होली खेलते नजर आए, कई जगह डीजे साउंड सिस्टम पर होली के गीतों पर युवा थिरकते नजर आए। युवाओं ने होली का अपने ही अंदाज में लुत्फ उठाया। जहां बच्चों ने रंग खेलने को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं बुजुर्गों ने भी बड़ी ही सादगी के साथ एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली के पर्व की बधाई दी। सोशल मीडिया पर भी होली का रंग छाया रहा। होली के पर्व पर जो लोग दूर दराज के अपने रिश्तेदारों और परिजनों संग होली नहीं खेल सके, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए होली के रंग बिखेरे। होलिका दहन से पहले माता बहनों ने होली की पूजा की। होली पर शेरपुर कला की अनूठी होली का जिक्र करना लाजमी हो जाता है। नवाबों के समय से चली आ रही ये प्रथा को बरकरार रखते हुए आज हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जमकर धमाल मचाया और परंपरागत तरीके से मुसलमानों को जमकर गालियां दी। बदले में मिला उन्हें फगवा। शेरपुर कला की होली पूरे प्रदेश में हमेशा से मशहूर रही है। मजे की बात यह है कि शेरपुर कलां की 40,000 की मुस्लिम आबादी में हिंदुओं की आबादी बमुश्किल 1500 से 2000 ही होगी, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल शेरपुर हमेशा से बना हुआ है। कहीं भी झगड़े या फसाद हो जाएं, लेकिन शेरपुर कलां में कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आई है। शेरपुर कलां की होली का एक नज़ारा आप भी देखिए। घुंघचाय क्षेत्र में कपड़ा फाड़ होली खेली गई। युवाओं ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए जमकर त्यौहार मनाया। कीचड़, गोबर व मिट्टी से भी कई जगह होली खेली गई। बंगाली समाज के लोगों ने रात में रथ जगा करके सुबह रंग खेला और शाम को भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। थारू समाज के लोग व पूर्वांचल वासी होली मना रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी दोनों देशों के लोग पर्व की खुशियां साझा कर रहे हैं। गांव-गांव धमाल टीम गठित करके दरवाजों पर होली गीत गाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि धमाल टीमों के गायन वादन से ही गमी यानी दुख दूर हो जाता है। साल भर में जिन लोगों की मृत्यु होती है, उनके दरवाजों पर धमाल टीम जरूर पहुंचती है। कल माधोटांडा में महिलाएं होली खेलकर महिला सशक्तिकरण का परिचय देंगी। दोपहर तक रंग खेला जाएगा और दोपहर बाद महिलाओं का होली मिलन 4 बजे से शुरू होगा। पुलिस फोर्स भी कल ही होली खेलेगी। जनपद भर में ये त्यौहार 15 दिन तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुलालोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जितेंद्र गुप्ता की पेप्सी एजेंसी पर सैकड़ों स्वयंसेवकों सहित विधायक बाबूराम पासवान ने पहुंचकर एक दूसरे को रंग लगाया और गुजिया खिलाई। होली की खुशियों को मनाते वक्त एक दुख भरी खबर भी पूरनपुर से आई है। बाइक्स की टक्कर से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये वाकया पुलिस चौकी बलरामपुर के गांव का है, जहां के भगवान शरण, अज्जू यादव और बंडा के अंकुर और शिव कुमार की मोटरबाइकें आमने सामने से टकरा गईं, जिससे 4 व्यक्तियों की मौके पर ही
मौत हो गई। इस हादसे से इलाके में मातम पसरा हुआ है। और अब बात करते हैं, आज शब बारात का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस दिन मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, कब्रिस्तान मज़ारों पर जाया जाता है, एक दूसरे से मुआफ़ी मांगकर गुनाहों से तौबा भी की जाती है, हलवा वगैरह बनाकर उस पर फातिहा खानी कराई जाती है। उलेमाओं के आह्वान पर ज़्यादातर मस्जिदों ने होली का त्यौहार नज़र में रखते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया था, ताकि किसी तरह की अनहोनी होने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। उलेमाओं के इस कदम की हर तरफ तारीफ की जा रही है। शेरपुर कलां, पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने घरों पर हलवा वगैरह बनाने में मसरूफ रहीं। रात को जागकर अल्लाह की इबादत करने का सिलसिला जारी रहेगा। कई जगहों पर हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अनहु की याद में जलसों का आयोजन किया गया, जिसमें हज़रत उवैस करनी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने का आह्वान किया गया। मुसलमानों का मानना है कि अगर इंसान शब बारात की रात सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों से तौबा कर ले, तो अल्लाह उसके हर गुनाह को माफ़ कर देता है। ये पर्व शावान महीने की 14वीं तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होकर 15वीं तारीख की शाम तक मनाया जाता है।